सलमान खान की इंडस्ट्री में वो इमेज बनी हुई है कि भाईजान अगर किसी से कुछ मांग लेते हैं तो उन्हें मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि सलमान जिसे रखते हैं उसे बहुत अच्छा रखते हैं, घर जैसे रखते हैं, लेकिन जिससे बिगड़ती है उसका हर एक काम बिगड़े ये इंश्योर करके रखते हैं। इसी बीच सलमान खान की एक डिमांड के कारण करण जौहर ऐसा फंस गया कि इस फंसावट से निकलने के लिए करण को बहुत दिमाग लगाना पड़ा। हम सब जानते हैं कि सलमान खान अपने दामाद यानी कि आयुष शर्मा को इंडस्ट्री में ज़ोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं। आयुष शर्मा एज एन एक्टर सलमान के विंग्स के अंडर ही ग्रो कर रहे हैं और वो नज़र भी आ रहा है उनकी बॉडी काफ़ी डिफरेंट हो गई है। ऐसे में सलमान खान इंडस्ट्री में जितने भी बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो आयुष के लिए कंसिडर कर रहे हैं। इसी बीच सलमान को एक कहानी बहुत पसंद आई थी और वो चाहते थे कि इस फिल्म में अगर कोई एक्टिंग करे तो वो आयुष शर्मा ही हो। सलमान ने बहुत प्रेशराइज़ किया, बहुत कोशिश की, फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए कह दिया, डायरेक्टर को बहुत दबाव में लिया कि आयुष को ये फिल्म मिलनी चाहिए। तब डायरेक्टर और करण जौहर ने मिलकर एक ऐसा पैंतरा खेला जिसके बाद सलमान भी कुछ नहीं कर पाए, ना बिगाड़ पाए और ना ही मुँह पर कुछ शिकायत कर पाए। एक्चुअली ये फिल्म शेरशाह की मैं बात कर रही हूँ। इस फिल्म के लिए सलमान खान चाहते थे कि आयुष जो है विक्रम बत्रा का किरदार निभाए। सलमान खान इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे, करण जौहर के साथ भी को प्रोड्यूसर बनने को तैयार थे और डायरेक्टर को बहुत प्रेशराइज़ किया था कि आयुष को इस फिल्म में लिया जाए। लेकिन आयुष जो है उनका लुक या उनकी जो इमेज है वो विक्रम बत्रा के साथ नहीं जाती। करण जौहर और डायरेक्टर विष्णुवर्धन चाहते थे कि फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ही काम करे, लेकिन सलमान को कैसे मना किया जाए? सलमान को मना किया तो सलमान बुरा मान जाएंगे, सामने कहेंगे कि मैं बुरा नहीं माना हूँ, लेकिन पीछे से काम बिगाड़ेंगे, क्योंकि अगर उनका काम नहीं बना तो वो किसी और का भी नहीं बनने देते हैं। ऐसे में कैसे पीसफुली आयुष शर्मा को रिजेक्ट किया जाए और सलमान को बुरा भी नहीं लगे, तो उसके लिए करण जौहर और विष्णुवर्धन ने एक तरीका निकाला। उन्होंने एक इमोशनल एंगल खेलने की कोशिश की और सलमान को कहा कि हम आयुष को ले लेते, हमें आयुष को लेने में कोई तकलीफ नहीं थी, बस विक्रम बत्रा की जो फैमिली है, उनके जो भाई हैं और बाकी मेंबर्स हैं, उनकी चॉइस सिद्धार्थ मल्होत्रा है, वो चाहते हैं कि उनके बेटे का किरदार फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा करे, तो उस फैमिली को हम कैसे मना करें, इसीलिए उनके हिसाब से हम इस फिल्म में इन्हें कास्ट कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब विक्रम बत्रा की फैमिली की ही चॉइस ये है तो फिर बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है और सलमान भी इसके आगे कुछ कह नहीं पाए और इस तरीके से पीसफुली आयुष शर्मा को किया आउट शेरशाह से और फिल्म को सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ ही बनाया गया।